हेलो दोस्तों, एक 12 एम्पियर का चार्जर है। इसमें एम्पियर का प्रॉब्लम है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं एम्पियर नहीं आ रहा है। एम्पियर नहीं आने के लिए आपको देखिए, यहाँ पर दो पीएफ है। सेकेंड नंबर पीएफ एसेंस कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस के पास ये पीएफ है, ये शॉर्ट होने से एम्पियर नहीं आती है। और इस चार्जर में देखिए क्या होता है, मैं लाइन देकर दिखाता हूँ। लाइन दे दिया, अब एसी लाइन दे रहा हूँ। देखिए रेड लाइट जल गया, एम्पियर में देखती है, एम्पियर ज़्यादा नहीं उठ रहा है। नौ के करीब आ रहा है, कभी कभी 4-5 साय ज़्यादा नहीं जाते हैं, 5 से 7 एम्पियर भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो समस्या है वो आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए यह 1 के रेजिस्टेंस से, ये देखिए ये पॉइंट से एक लाइन यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पर जाती है इस पिन में। ठीक है दोस्तों, यह देखिए यह फॉइल खराब हो गया है। ये देखिए डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ से देखिए ये बीप आवाज़ आने चाहिए, बीप आवाज़ नहीं आ रही है, यह आ रहा है। यह भी आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा है। यहाँ से ये टू बर्न हो गया। ठीक है दोस्तों, ये ठीक कर देना है। एक वायर से यहाँ से यहाँ एक लाइन टान देना है, रंग से सोल्डरिंग कर देना है। इसमें पहले 4-5 एम्पियर आ रहा था, जब आपको देखा रहा था तब थोड़ा ज़्यादा आ गया। ये बर्न होने से क्या होता है, एम्पियर ज़्यादा नहीं आते हैं, हाईएस्ट 5 एम्पियर आते हैं और पंखा नहीं चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम ये तार से कनेक्ट कर देंगे। अब देखते हैं पूरा लाइन ठीक हुआ कि नहीं। यहाँ से यह ए पिन में,
देखिए इस बार ये बीप दे रहा है, इसका मतलब ये लाइन ठीक हो गया है। इस बार एम्पियर देखिए, देखिए 12 एम्पियर के करीब जा रहा है, 10 से ज़्यादा हो गया। ये देखिए ठीक है दोस्तों, इस फॉइल कट जाने से एम्पियर लो हो जाते हैं। आज रखता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों।